नमस्कार, स्वागत है आपका जीएन भारत में। मैं हूं वैभव विक्रम। मैं फिर हाजिर हूं आपके लिए देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। तो रुक करते हैं खबरों की ओर। राफेल से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चीन को चेतावनी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लड़ाकू विमान राफेल के भारतीय वायु सेना में औपचारिक रूप से शामिल होने के साथ ही चीन को कड़ा संदेश भी दे दिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि सीमाओं पर जिस तरह का माहौल बना है या बनाया गया है, उसे देखते हुए राफेल का इंडक्शन काफी अहम है। उन्होंने कहा कि राफेल गेम चेंजर है और मल्टी रोल कैपेसिटी के साथ दुश्मनों को सबक सिखाने में सक्षम है। दफ्तर का हाल देख निराश हुई कंगना रनौत। बीएमसी की तोड़फोड़ पर सुनवाई 22 तक टली। मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कंगना रनौत के ऑफिस में जो तोड़फोड़ की है, उससे वह काफी नाराज है। कंगना रनौत की बहन रंगोली ने गुरुवार को ऑफिस जाकर वहां का जायजा लिया। बताया जा रहा है कि उन्होंने ऑफिस की कुछ तस्वीरें ली और वीडियो भी बनाया। इसी बीच कंगना ने फिर से उद्धव सरकार के खिलाफ ट्वीट किया है। यूपी में 24 घंटे में 7042 नए कोरोना केस, अब तक का नया रिकॉर्ड। कोरोना वायरस संक्रमण का कहर हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। प्रदेश में एक्टिव मामलों की कुल संख्या 66317 है। प्रदेश में अब तक कोविड-19 से संक्रमित के बाद 221506 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं रिकवरी रेट 75.85% हो चुका है। 2000 रुपए में राजस्थान भेजे जा रहे हैं झारखंड के बच्चे। हेमंत सोरेन ने डीसी और मंत्री को दिए कार्यवाही के निर्देश। झारखंड के पलामू जिले में बाल श्रम कराने वाला का गिरोह सक्रिय है। मुख्यमंत्री के संज्ञान में ट्वीट के जरिए यह बात आई तो उन्होंने तत्काल महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री जोबा मांझी को संज्ञान लेकर कार्यवाही करने को कहा। कंगना के बाद मनीष मल्होत्रा को बीएमसी के नोटिस। बंगले में अवैध निर्माण पर मांगा जवाब। बीएमसी ने मनीष मल्होत्रा को नोटिस भेजा है। मनीष पर आरोप है कि उन्होंने अपने रेजिडेंशियल स्पेस को अवैध रूप से कमर्शियल प्रॉपर्टी में बदला। मनीष मल्होत्रा को बीएमसी ने नोटिस पर अगले 7 दिन में जवाब देने को कहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बीएमसी ने मनीष मल्होत्रा के बंगले पर हुई अवैध निर्माण पर आपत्ति जताई है। एक्टर परेश रावल बनाए गए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष। बॉलीवुड के जाने माने एक्टर परेश रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का प्रमुख नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात से बीजेपी के पूर्व लोकसभा सांसद परेश रावल को एनएसडी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वह जाने माने राजस्थानी कवि अर्जुन देवचरण की जगह लेंगे। कवि अर्जुन देवचरण 2018 में एनएसडी चीफ बने थे। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहे जीएन भारत के साथ।